विल काटाकुरी लीड बिग मॉम पायरेट्स इन फ्यूचर? लेटेस्ट चैप्टर में हमें एक हिंट मिला है कि मे बी बिग मॉम मर चुकी है। अब क्या वो एक्चुअली में मरी है या नहीं, वो बाद में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर वो मर गई होगी तो फिर बिग मॉम पायरेट्स का क्या होगा? क्या वो व्हाइट पिट पायरेट्स और रॉजर पायरेट्स जैसे डिसबैंड हो जाएंगे, या फिर कोई और काटाकुरी जैसा कोई उनको लीड करेगा? इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला है मैं। लेट्स बिगिन। ओके, सो पहले तो ये जान लो कि अगर बिग मॉम मर गई है तो इसका मतलब होगा कि देयर विल बी नो बिग मॉम पायरेट्स लेफ्ट एनी मोर। इसलिए द मोमेंट ये कंफर्म हो गया कि बिग मॉम मर गई है, सारे बिग मॉम पायरेट्स के मेंबर्स बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या उसके बाद भी एक पायरेट क्रू का पार्ट बनेंगे? हाँ, क्योंकि पायरेट होने के अलावा इनको कुछ और आता भी नहीं है। काटाकुरी बींग द एल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट शार्लेट, सारे शार्लेट भाई बहन को मिला के अपना खुद का पायरेट क्रू बना सकता है, एंड वो मोस्ट लाइकली बनाएगा भी। मैंने काटाकुरी को यहाँ पे एल्डेस्ट इसलिए बोला क्योंकि पेरिस पेरो वानों में चुचर लिया था बिग मॉम के साथ। ये क्रू का नाम काटाकुरी पायरेट्स जैसा कुछ हो सकता है, या फिर शार्लेट पायरेट्स ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब क्या काटाकुरी एज अ न्यू कैप्टन ऑफ अ न्यू पायरेट क्रू योंको के पोजिशन को एम करेगा? मोस्ट लाइकली नहीं, क्योंकि पहली बात कि काटाकुरी को स्ट्रांग होने से कोई मतलब नहीं है, उसको बस अपनी फैमिली को सेफ रखना है। एंड भले ही योंको बनने के बाद शार्लेट से फिर से सबकी फटने लगेगी और वो एकदम सेफ हो जाएंगे, बट योंको बनने के लिए भी काटाकुरी को अपने फैमिली को दूसरे योंको के अगेंस्ट लड़वाना पड़ेगा। एंड क्योंकि काटाकुरी को फैमिली को प्रोटेक्ट करने का है, वो ये चीज़ बिना योंको के पोजीशन को एम किए ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। इस चीज़ से ऑब्वियसली ओवन जैसे वो खून खोलेगा, वो ज़बरदस्ती का रोएगा कि चलो मामा का बदला लेंगे, लेकिन काटाकुरी फैमिली फेवरेट भी है तो ऑब्वियसली सब उसकी बात मानेंगे ही, सिंस वो स्ट्रॉन्गेस्ट होने के साथ स्मार्टेस्ट भी है। एंड WCI आर्क में भी हमने देखा था कि ओवन अपने फैमिली को प्राइड से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, इसलिए आई डोंट थिंक कि शार्लेट्स फिर से योंको क्रू बनने की कोशिश करेंगे। एंड जो लोग भी सोचते हैं कि मे बी काटाकुरी फ्यूचर में योंको बनेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है योंको बनने की। एंड क्या वो किसी दूसरे योंको के अंडर जा सकता है? मोस्ट लाइकली नहीं, लेकिन अगर उसको जाना ही रहा तो वो शायद से लूफी के ग्रैंड फ्लीट का पार्ट बन सकता है, लेकिन इसके होने के भी चांसेस कम है सिंस बहुत से शार्लेट्स ये चीज़ करने से मना कर देंगे। बिग मॉम के डेथ के बाद भी क्या शार्लेट्स होल के एक आइलैंड में ही रहेंगे? नहीं, उनको उधर से जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक WCI पे कोई अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक योंको का अड्डा था, बट अब मरीन्स रुकेंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ हो सकता है जिससे शायद काटाकुरी फ्यूचर में योंको बन जाए, बट ये एक नियर टू इम्पॉसिबल चीज़ होगा। अगर काटाकुरी और बाकी शार्लेट्स ब्लैकबियर्ड को हरा दिए तो फिर वो योंको क्रू भी बन जाएंगे एंड उनका WCI भी उनको वापस मिल जाएगा। एंड भले ही काटाकुरी को योंको बनने की ज़रूरत नहीं है, एक रीज़न है जिसकी वजह से वो ब्लैकबियर्ड को टारगेट कर सकता है, एंड दैट रीज़न इज़ पुडिंग। बट जैसा मैंने बोला कि पुडिंग को वो बचा ज़रूर सकता है किसी वे में, लेकिन ब्लैकबियर्ड को हराना उसके लिए इम्पॉसिबल है सिंस ब्लैकबियर्ड के साथ अभी आओकीजी भी है। एंड एक्चुअली दिस इज़ अनदर बिग रीज़न क्योंकि शार्लेट्स योंको क्रू वापस नहीं बन पाएंगे। शार्लेट्स अब इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो फिर से योंको क्रू बन जाएँ। वो योंको क्रू थे क्योंकि बिग मॉम थी, उसमें अकेले में था गूदा भाई कि वो सबको हरा दे। काटाकुरी और बाकी शार्लेट्स में थोड़ी ना इतना गूदा है। काटाकुरी फ्यूचर में योंको नहीं बनने वाला अनलेस बग्गी जैसा कुछ चमत्कार हो जाए उसके साथ। एंड ब्लैकबियर्ड के अगेंस्ट भी काटाकुरी पुडिंग के रेस्क्यू पे ध्यान देगा, ना कि ब्लैकबियर्ड के डिफीट पे, क्योंकि वो उससे होगा नहीं। एंड दैट्स इट। अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।